सिखाने वाला हूँ ब्लॉग खुशवार। तो सफर में जो जो चीज़ें आएंगी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। और मेरे बहुत से बहन भाइयों ने अगर स्वाद का टूर नहीं किया तो हम आपको घर बैठे आपसे स्वाद का टूर करवाएंगे और साथ में ही व्हाइट पैलेस के बारे में भी डिटेल्स बताएंगे आपको, उसका टूर भी करवाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अभी तक अभी से अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और तो चलिए वीडियो आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहिए बुकिंग कर सकते हैं किसी भी होटल में। तो चलिए आगे चलते हैं। Boy, you were like a changing sky, full of love, screaming out, then you shy. Chameleon, chameleon, chameleon. Will you change your color, change your colors in a million? Chameleon, chameleon. अलहम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं। तो फिर व्हाइट पैलेस के अंदर जाने से पहले हम पहले आपको अपने रूम का टूर करवाएंगे, उसके बाद हम आपको व्हाइट पैलेस दिखाएंगे। तो ये जो है तो काफ़ी खूबसूरत रूम बना हुआ है, बंदे की बिल्कुल भी बोरिंग की जगह नहीं है क्योंकि हर तरफ पेंटिंग और ब्यूटीफुल रॉक डिज़ाइन से ये कमरा बना हुआ है। और यहाँ पर हमें एक डबल बेड भी मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे इस रूम में,
यहाँ पे दो और डबल बेड मिलते हैं हमें ऊपर नीचे, जो कि आपने आम तौर पर देखा भी होगा। और इस साइड पे हमारे साथ दो टेबल चेयर मिलते हैं हमें। कमरा भी काफ़ी खूबसूरत और खुला है। टीवी भी है हमारे पास इस रूम में। और यहाँ पर हमारे पास आग जलाने की भी जगह है कि अगर सर्दी हो तो फिर हम अपने लिए आग जला के कमरा गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जाएंगे पैलेस के अंदर और आपको भी दिखाएंगे, पैलेस की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे हम। स्वात, जिसको मशरिक का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपनी सहर अंगेज और पुरबहार वादियों की बदौलत सैर सैर सियाहत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस खत्ते को ये एजाज भी हासिल है कि जहाँ एक तरफ यहाँ से सिकंदर आजम, महमूद गजनवी, बाबर जैसे फातिहीन ने अपने पड़ाव डाले और कई बादशाहतें कायम की, वहीं दूसरी तरफ से बुद्धमत और गंदारा तहजीबों ने अपने ना बिटने वाले नाकूस तोड़े। सफेद महल अपनी पुरानी बादशाहतों का एक सरमाया है, जिस रियासत स्वात के बानी मियां गुल अब्दुल वदूद साहब ने गरमाई सदर मकाम के लिए तामीर किया था। ये महल एक वसी रेपे पर फैला हुआ है और ये वही संगमरमर है जो ताज महल इंडिया में इस्तेमाल हुआ। इसमें इस्तेमाल होने वाला संगमरमर जयपुर से मंगवाया गया। इस महल को अब होटल व्हाइट पैलेस में तब्दील किया गया।